एक तरफ मायो हॉस्पिटल में लोग इंतज़ार कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा असमंजस और हैरानी की स्थिति है कि क्या होगा, क्योंकि डेढ़ घंटे के तकरीबन का ऑक्सीजन बचा है। और यहाँ पर एक शख्स हैं, ये बहुत ज़रूरी है और एक बहुत चौंकाने वाली और परेशान करने वाली जानकारी हमें देने वाले हैं, इनसे बात करते हैं। नमस्ते, आपका नाम क्या है? मेरा नाम अभिषेक गर्ग है और मेरे फादर इन लॉ ससुर जो हैं यहाँ पर एडमिट हैं 17 तारीख से। उनकी कंडीशन ओवरऑल सही थी, उनका सीटी वैल्यू 33 था, लेकिन डॉक्टर ने जो ट्रीटिंग डॉक्टर था उसने उनको एडवाइस किया था कि आप रेमडेसिविर चढ़वा लीजिए एडमिट होके, और ऑक्सीजन भी सही आ रहा था तो आप ठीक हो जाएंगे पूरे तरीके से। 17 तारीख से यहाँ एडमिट हैं, पता नहीं इन्होंने कौन कौन सी दवाइयाँ चढ़ा दी, और वो दवाइयों के भी मैंने बिल निकलवाए हैं, दवाइयों की MRP कुछ है, बिल में कुछ लगी है, वो अलग चीज़ है, मेरे पास पैसा देने को है मैं दे रहा हूँ। लेकिन कल जब मैंने यहाँ बात करी परसों कि आपने अभी तक रेमडेसिविर की नहीं चढ़वाया, तो बोले कि नहीं रेमडेसिविर हमारे पास है नहीं, मैंने 17 तारीख से लिख रखा है, ये मुझे यहाँ पर ड्यूटी डॉक्टर ने बताया। तो मैंने यहाँ पर बातचीत करी इनके जो प्रशासिका हैं डॉक्टर अनुपमा सिंह, उनसे भी मैंने रात में बात करी, जब बहुत ज़्यादा उनसे कहा सुनी हुई तब उन्होंने ड्यूटी डॉक्टर को डांटना शुरू किया, उसके बाद यहाँ पर उन्होंने एक इंजेक्शन का इंतज़ाम करवाया। लेकिन स्टैट डोज जो है 2 इंजेक्शन की होती है फर्स्ट डे, वो किसी तरीके रात तक उनको 2 इंजेक्शन लगे, उसके बाद उनको जो इंजेक्शन लगने थे वो मैं बाज़ार से लेके आया हूँ, क्योंकि वो पहले दिन 2 लगते हैं, बाकी 4 दिन जो है 1-1 लगता है, तो वो मैं बाज़ार से कहीं से लेके आया हूँ किसी अस्पताल से। वो रेमडेसिविर नाम का इंजेक्शन है जो जिसकी सरकार ने 4 दिन पहले 3500 रुपये कीमत कर दी है, जो 5400 रुपये का पहले मिलता था वो मैं 21000 रुपये में खरीद के लेके आया। एक डोज आप 21000 का खरीद के लाए? जी, 21000 के मैं 2 लेके आया हूँ, उनको 3 लगने हैं, मेरे पास अभी तक 2 हैं, एक मैंने उनको भिजवा दिया है, एक मेरे पास रखा हुआ है उनको कल लगवाने के लिए, आज के लिए मैंने उनको 21000 रुपये का एक इंजेक्शन भिजवा दिया है। रही बात ऑक्सीजन की, तो मेरे पेशेंट को ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो कमोबेश कम ज़्यादा कभी कभार लग जाती है, लेकिन वैसे उनको रिक्वायरमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जिनको ऑक्सीजन की रिक्वायरमेंट है, अभी यहाँ पर एक नोटिस लगा दी गई कि राज्य सरकार ने उनको ऑक्सीजन नहीं सप्लाई करी, इसलिए वो अपने पेशेंट लेके चले जाएं। लेकिन राज्य सरकार ने जब उनको रेमडेसिविर दिया है तो रेमडेसिविर क्यों नहीं आप लगा रहे हो? जो राज्य सरकार ने आपको दिया है वो क्यों नहीं आप दे पा रहे हो यहाँ पर? वो दवाइयाँ भी नहीं लग रही, आप बता रहे हैं कि इतनी कहा सुनी के बाद पहली डोज लगी और उसके बाद भी जो आगे की डोज लगनी थी, पहले दिन 2 डोज लगती है, अगले 4 दिनों में 1-1 डोज लगती है, तो आपको वो मुहैया कराना पड़ा खुद से, जिसकी कीमत 3500 निर्धारित हुई है सरकार द्वारा, वो आपने 21000 में 1 डोज लिया? एक खरीदा है मैंने और वो मैं लेके आया हूँ, किस तरीके से लेके आया हूँ वो मैं जानता हूँ। और यहाँ हाल ये है, किन किन दरवाज़ों को खटखटाना पड़ा उस दवाई के लिए, क्या क्या किन किन दरवाज़ों को खटखटाना पड़ा, क्या क्या मशक्कत करनी पड़ी? देखिए, नाम ना लेना चाहिए सरकार की तरफ से, तो इस समय कहीं मैं कोई बातचीत कर नहीं पा रहा हूँ, किसी भी लेवल पर कोई फ़ोन उठ नहीं रहा है, ठीक है। तो मैंने प्राइवेट इधर उधर सारे डॉक्टरों से प्राइवेट, जिन मैं थोड़ा सक्षम हूँ इसलिए मैंने इधर उधर बातचीत कर ली, और बातचीत करके मैं ले आया हूँ। लेकिन यहाँ अनेक लोग ऐसे हैं जो पैसा दे रहे हैं, सरकार द्वारा निर्धारित दर दे रहे हैं, 10000-12000 जो सरकार ने निर्धारित कर लिया। इस अस्पताल की कीमत 5500 रुपये ज़्यादा पर डे की नहीं है, जो नॉर्मल टाइम्स में 5500 रुपये ज़्यादा नहीं लेता था। अभी एक महिला बता रही थी कि 50000 एक बेड का अभी लिया जा रहा है। तो हो सकता है लिया जा रहा हो, मैंने तो यहाँ वन टाइम पैसा जमा कर दिया है, और जितना पैसा चाहिए होता वहाँ जमा होता रहता है, मैंने अभी हिसाब नहीं लिया है, हिसाब नहीं बनवा। कितने दिन से भर्ती हैं आपके पिताजी और कितना पैसा अब तक आप दे चुके हैं? मैं यहाँ पर अभी तक दे चुका हूँ 1,50,000, 1.5 लाख रुपए मेरे जमा हैं, और उसके अलावा जो मैंने यहाँ से रेमडेसिविर यहाँ से ख़रीदी थी उसके लिए मैंने अलग से पेमेंट किया था, वो सरकारी रेट पे मिली थी पहले दिन के लिए, 3500 पहले दिन के लिए सरकारी रेट पर मिली थी। तो आपने 21000 की, और बाकी मैं ब्लैक में लेके आया हूँ कहीं से अरेंज करके अपने लेवल पर,
ये कैसे ब्लैक के ग्रुप्स कैसे जानकारी मिलती है, व्हाट्सएप वगैरह पर आता है? मुझे किसी और डॉक्टर्स के थ्रू पता लगा था। अच्छा। तो कि भाई वहाँ मिल जाएगी, ठीक है, तो उन्होंने मेरी हेल्प करी, तो मैं उनका नाम नहीं बता सकता हूँ आपको, ठीक है, उन्होंने मेरी, क्योंकि आपको आगे भी ज़रूरत पड़ेगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, मेरी प्रायर जो इम्पोर्टेंस मेरा मरीज है यहाँ पर, प्रायोरिटी वही है और उनको दवाइयां। लेकिन यहाँ प्रॉब्लम क्या है, मेजर इशू कि सरकार ने 12,000 15,000 जो भी है L1 L2 L3 के हिसाब से, शहरों के हिसाब से फिक्स कर रखा है। इस अस्पताल की जो है पर डे की 5500 रुपये बेड के हिसाब से जो है इनकी वो नहीं है कि ये 5500 रुपये ज़्यादा चार्ज कर पाए। अगर प्राइवेट में आपको आना हो, मजबूरी में आ रहे हैं, सरकार के कहने पर हम 12,000 रुपये यहाँ पर दे रहे हैं, प्रॉब्लम ये है। और उसके बाद भी जो सरकार दे रही है वो भी चीज़ें नहीं दे पा रहे हैं, ये उसको भी कालाबाजारी हो रही है। आपको अपने पिताजी का अस्पताल में, ये तो है कि अस्पताल में भर्ती कराने के बाद क्या क्या मशक्क़त हो रही है, कुछ अगर आप ये बता पाएँ कि भर्ती कराना वो बहुत सहूलियत से हो गया आज था क्या? 17 तारीख के बाद से जो ट्रीटिंग डॉक्टर है यहाँ पर बताया गया है, जो ट्रीटिंग डॉक्टर है मेन चेस्ट के, उन्होंने आज तक हमसे कोई बात नहीं करी है। परसों मेरे से कहा गया कि 7:30 से 7:30 के बीच में बात करेंगे। मैं यहाँ पर 6:05 तक था, मेरा घर यहाँ से 1 किलोमीटर पर में है, मैं वापस चला गया, मैं वापस यहाँ पर 7 बजे आया तो पता लगा कि वो 6:46 पर चले गए हैं। यहाँ ड्यूटी में एंट्री हो गई कि 5:49 पर आए थे, 6:46 पर वो बुलेटिन करके चले गए। मैं मान सकता हूँ डॉक्टर्स इस समय बिज़ी हैं, बाकी चीज़ें हैं, तो आप मुझे 7 बजे के बाद रात में 11 बजे तक रोक सकते हो, लेकिन ये गलत है कि आप 7 बजे से पहले जो निर्धारित समय है, जो आपने लिख रखा है, आपके आदमी बता रहे हैं, उससे पहले आप चले जाएं, ये गलत है। समय और वो 6:46 पर चले जा रहे हैं। मेरा ये भी सवाल है कि जब यहाँ पे दाखिला हुआ, भर्ती हुई, उसके लिए रेफरल कोड वगैरह पाने में आपको बिल्कुल आसानी से मिल गया था वो? हाँ, रेफरल कोड में CMO ऑफिस से मुझे कोई परेशानी नहीं हुई है। वहाँ अगर मेरा फ़ोन लग गया तो उन्होंने पूरी सुनवाई करी और मुझे रेफरेंस दे के यहाँ पर एडमिट कराया। परेशानी इन अस्पतालों से है। अच्छा। CMO लेवल से नहीं है, मैं फिर दोबारा कह रहा हूँ, ना CMO से है ना सरकार लेवल से हो रही है। लोग तो ये कह रहे हैं कि उनका, जैसे अभी हमको यहाँ पे लोग मिले थे, एक भाई साहब, और भी कई जगहों पर मिले, उनका कहना है कि CMO के पास कभी फ़ोन ही नहीं मिलता और पर्ची भी नहीं मिलती है, रेफरल कोड नहीं मिलता। मैम देखिए, लेकिन आपका केस अलग है। हाँ, मुझे हो गया था और आप जो कह रही हैं वो भी सच है, लेकिन आज जब 3.5 लाख जो आदमी आज हमारे यहाँ पूरे देश भर में एडमिट हो रहा है या पर डे पॉजिटिव निकल रहा है और मिनिमम रिसोर्सेस हमारे यहाँ कम है, तो वो भी इंसान है, तो उसको इशू बनाने का कोई मतलब नहीं है। मेन मतलब ये है कि जहाँ सरकार हेल्प कर रही है, जिन लोगों को बनाया है, वो इसको मनी मेकिंग एंटरप्राइज ना बनाएं, ह्यूमैनिटी की तौर पे काम करें, सिर्फ मतलब ये है। आपदा के समय ऐसे कई लोग आपको अच्छे एग्जांपल्स भी दिखेंगे, जहां लोग आगे बढ़कर व्यक्तिगत स्तर पर अपने साधन संसाधन लगाकर इलाज करते, लोगों की मदद करते हैं, और आपको कई सारे ऐसे लोग भी मिल जाएंगे जो इसे अवसर की तरह, हम पैसा बनाने का मौका देखते हैं इसमें। और देखिए, आप जो जिस दवाई की इतनी कालाबाजारी है कि रेट सरकार द्वारा फिक्स किया गया है 3500, और वो 21,000 में एक डोज इंसान खरीद के ला रहा है, इसलिए ला रहा है क्योंकि उसकी जेब में पैसा है या कहीं और से बहुत मुश्किल से अरेंज कर रहा है, लेकिन जो अरेंज नहीं कर सकता, और कई लोग तो ऐसे हैं जो पैसा लेकर खड़े हैं लेकिन उनको मिल नहीं रहा है ना, तो ऐसे में उनका सोचिए, जिनके पास ना पैसा है, ना पहुँच है, ना सर्कल है, उनका क्या होता होगा। तो ये भी एक तस्वीर कोरोना की ज़मीनी हकीकत। मेरे साथ ही अमितेश कैमरे के पीछे, और मैं स्वाति।